सुरभिगिरी को छुई बही जाउछे जो प्राचीन नई से नई कूल रही अर्जुनेश्वर आक्ता माक्ता झापसा झापसा जहार प्राचीन इतिहास सुरभिगिरी पादेश रही भैरंगेश्वर काल निर्घंटे जहार बयस काले 1400 वर्ष आउ अधा कपालेश्वर जोठी अविश्वास नहीं अंधविश्वास नहीं केवल विश्वास आउ विश्वास नमस्कार मु मनोज महापात्र आउ एक नुआ फ्रेश एपिसोड को आपन को स्वागत दर्शक बंधु दयानिधि बिना कलिंग युद्ध कथा लेखि हेब ना आज आम से दयानिधि कूल को जी दयानिधि कूल शांतिस्तूप धौली को जीवा से शांतिस्तूप को घेरी रही एमती किसी शैवपीठ को जीवा एवं तार इतिहास कथा कहानी किंवदंती संपर्क जाणवा कौन रही से शैवपीठ को नहीं विश्वास अविश्वास अंधविश्वास कथा से कथा जाणवा आसतु हाँ दयानिधि कूल सुरभिगिरी एबे जहाँ बौद्ध धर्मर शांति और अहिंसार प्रतीक धौली स्तूप पीस पागोड़ा आज जितेबले एहा सुरभिगिरी नाँ रे चर्चित थिला एहार शिखर रे एक उपवन थिला आउ एई जागारे काले ख्रीष्ट जन्मर 261 वर्ष आगर संघटित होता कलिंग और मगध मध्य रक्तरंजित महायुद्ध प्रथमे धौली उद्देश्य बाहरी विश्वास विश्वास अंधविश्वास टीम शिखर रही डाण पटे आम बामपट रास्ता धरीलु पास किछि बाट जीवा परे किछि समय परे जो गाँव में आम पहुंचीलु ता पिपिली तहसील रे आसुथिला ना कोईरी बर्तमान आम पहुंची सारी छु सेठी बाबा अर्जुनेश्वर मंदिर निकट रे धळुरु केते बाट हेबो ए 2-2.5 किलोमीटर बाट हेबो ए सुंदर मंदिर दयानदी कूल रे रहिछे बहुत चमत्कार परिवेश आपण प्रथमे कि चमत्कार परिवेशटा देखि दियंतु तापरे भितर को जिबा धौलीगिरी विश्व प्रसिद्ध किंतु जो माने धौलीगिरी आसुछन्ते सेमानकु हुए तो जणा नाही जे जो दयानदी कूल रे धौलीगिरी से दयानदी कूल रे रहिछि प्राचीन ए मंदिर अर्जुनेश्वर चमत्कार शैव पीठ बमसरा पंचायत भितर आसुवा कईरी गाँवर अर्जुनेश्वर पीठर पिपुली को रास्ता लंबी जटणी को संजोग रास्ता रही सीधासलख भुवनेश्वर को रास्ता लंबी कहीं देवदेव महादेव ना अर्जुनेश्वर से नहीं कि तो कहा पाखे कौन भी से भाई कथा ना कि तार प्रमाण किसी सेमती दे पार ना कि एक सत जे ए मंदिर बहु प्राचीन कहीं क्यों काल देवदेव महादेव पूजा पाँच एटी महादेव पाताल फुटा लिंग एटी पाताल फुटा शैवपीठर विराजित देवता अर्जुनेश्वर कहीं एमती ना या पछरे निश्चय पौराणिक आखायिका थिबो निश्चय इतिहास थिबो किंतु ए ऐतिहासिक तथ्य सपक्ष रे जे बलिष्ठ और ग्रहणयोग्य जुक्ति रखी पारिबे से भली लोक आमे खोजी पाइलुनी किंबा सेमानक पाखरे आमे पहुंची पारिनु ए मंदिर केबे होइथिला प्रतिष्ठाता किए से संपर्क रे जानिबार बिंदु विसर्ग सुजोग मिलिला नाही
तेबे ए देवता केमिति प्रत्यक्ष केमिति अलौकिक से नै बहु विश्वास अविश्वास ओ अंधविश्वास रो कथा कहानी किंवदंती शुणिबा को मिलिथिला। देवदेव महादेव एटी बहु प्रत्यक्ष डाकिले सुणते एटी अनेक से भली अनेक कहानी रही जहाँ मानसिक करा जाए एटी काले ता पूर्ण होता आज की प्राय शहे वर्ष कि बेसी हम से गोटे ठाकुर मुझे शुणी जी अवश्य देखनी शुणी जे थे ये नदी बंध नई प्रबल पानी होता आई भागी जीवन पा बुड़ी जाऊला प्रभु को आज्ञा से प्रभु को डाकिले पुजारी मान से बहुत आगु जो बुढ़ा थे से डाकिले कहे प्रभु आ तुम्हें जदि ये बंध रक्षा कर आम तुमको सही पाला करू बाजी पाला आज शहे वर्ष पूर्व ये होता से आम देखे लल्ठन लाइट लगे पाला होता आम पिला पिला लल्ठन लाइट लगे पाला होता तापर डे लाइट लगे एबे ठाकुर ये बंध उठी आसला सेपटे पाला मंडप है आज से पाला चलती सतराती पाला सदा बेले चलती बहु आगुरी शुणी ठाकुर महिमा मान मान जहाँ आम पुणा जहाँ जानस बहुत तो अलौकिक शक्ति अच्छी तेणु सेमती आसी जो गोटे पणुस नहीं जाऊला नई बाली शगड़े राति बारटा खंड हम पणुस ये छिंडे नहीं साप अगला रहा शगड़ रहा तापर दिन सका लोक आसिले जोरीमाना देला से दिन ये कौन सी मान अन्याय अत्याचार भितर कि भितर आसिकले जापर ये लोक एमती प्रत्यक्ष देवता ये अच्छा विश्वास मिल हरी तर्के बहुत दूर एटी विश्वास कथा आस्थार कथा जो हूँ आस्थार उपहार श्रद्धेय समर्पण सात वर्ष आठ वर्ष तल कथा कौच बना थाए प्रबल पा एपट सेपट जाए नहीं गोटे लोक सेपटे साप कामुड़े देला तार उद्देश्य इटिक आसा निहत दरकार मुझे अर्जेंट जी अच्छा ये सी आसीपर ना कि ना तेनाली ब्राह्मण थे कहला कौन करा से गाउड़ियाटा सेमती मानते गोटे व्यस्त होती लोक कौन के पादुक जीव ब्राह्मण गोटे चिंता करके बहुत गुट बेलपतर को बांधिदे गोटे टाइम बांधिदे से लोक कहला मुझे यही पुटू पकाच पाने तुम लक्ष्य कर कौटि से लगता फोपड़ा गला से धीरे धीरे जा नकूल लगला से लोक मैंने आसिले से ने से पादुक से लोक पा सह मिसेक खावाक दे कि पा से जाले से लोकटा भल हो गला आ से आस्था से विश्वास रे अविश्वास रही अंधविश्वास भी रही देखे जिते बड़े बना आसे नदी ये स्थान पूरा जलान हो जाए एवं सेते बड़े कुंभीर नदी को आसता एवं यही जो पहणी अच्छी बाट अच्छी कुंभीर से बाट आसव ताको पूजक माने जी थे मंदिर प्रसाद ताको बाटुला आकार देवे एवं सी ता खाई सी ता बाटे सुखे चलने इबिर कि कुंभीर भय आम नदी में आद आम ये इलाका भितर है ना कि प्रसाद पाई जाए बहु अनुभूत माने लोक देखिचन जहाँ जनश्रुति हो जाए लोक कथा जहाँ तो आवश्यक सहयोग जी जहाँ दरकार से आगू करी एवं कर चलुअी एवं लोकंर सहायता आम जो आखपाख अंचल मंदिर जी जहाँ को मागिले भी सी दौंती कहीं मना करती आम न कह सत्ते भी सी आमको खबर पाई आठ ताठ लोक मैंने सब आम जो नाम यज्ञ हुए बा जगर फागर पर जो प्रत आम यज्ञ हुए से लोक मैंने बहुत किसी साहय आसी करती
सब लोक मानक सब आजिकल एमती बहुत उन्नति आम है लोक मैंने बहुत विश्वासी भरोसा आईपटे चला रास्त जा लोक मैंने भी एपटे आसिक ठाकुर दर्शन टे नि नहीं कि जाती सत्यर अधिक किसी कर आवश्यकता रही दयानदी कूल शैवपीठ जहाँ अनालोचित अपठित हो रही आसी जहाँ अश्रुति अनावधेय हो रही आसी जो जहाँ डाकिले नम शिवाय बुझुच अजुशर ना सब से विख्यात पूरा जोटि सक हूँ जहाँ जोटि जी जा राजधानी रे दिने बुझुच देखिले गोड़ा हाथ तार खराब हो बाबू डाकिदे पूरा भल क्या ये जिते जा रोष करके दौर दिने दिन बाबू आसिक सर्वे पाती प्रसाद देखुची महिमा प्रचुर महिमा गुहारिया पड़ुंत जी जहाँ बुझुच मानस पाती किसी जोटि जहाँ डाकिले प्रभु को प्रभु शुणुंत आम देखा बुझुच एम नना अजा जेज बुझुच बापा सब देखा चलुची संस्था ये मूर्ति को आप देखु बहुत प्राचीन आपण को ये लगे कारण ये मूर्ति भांगिरुज गला बर्षा खरा खाई ये बहुत क्षति घटी मंदिर चारिपाखे आउ जो पार्श्व देवादेवी रही गणेश मूर्ति देखु ये मूर्ति तो बर्तमान स्थापन हो जाती नुआ मूर्ति कि पूर्वर जो मूर्ति रही से भांगिरुज जा गणेश सुंदरटी भांगी जाए कि यार कारुकर्ज मूर्ति देखने लगुच बहुत प्राचीन बहुत पुरातन मंदिर बहुत प्राचीन बहुत सुंदर एठिकार जो ग्राम कमिटी रही बहुत सुंदर भावे ये मंदिर रक्षणाबेक्षण करुं मंदिर परिवेश बहुत परिष्कार बहुत चमत्कार एवं आउ गोटे कथा या हो स्थान आपण आसिले चमत्कार ये आपण को लगे कारण मंदिर गोटे पाखे रही जनबसती गाँ एवं अन्य पाखे रही से ऐतिहासिक दया नदी कईरी गाँर नदीबंध उपरे ठिया हुई देखिले मंदिर सुंदर लगुला ए सौंदर्य को अधिक बढ़ाई देउथिला मंदिर पछ भागरे बही जाउथिबा प्राचीन दया नदी कईरीर अर्जुनेश्वर ए शैवपीठ रु फेरी धौली प्राचीन सुरभिगिरी दिन थिला ए अंचल उपरे आक्रमणकारी तकी खाँर लुलुप दृष्टि पड़ता आउ दिन थिला 1837 मसीह ऐतिह संपन्न समृद्ध अंचल को दुनिया आगे रखिथिले इंग्रेज सरकार जड़े सामरिक अफिसर लेफ्टनांट मार्खाम किटो स्वापद संकु जंगल भितर जे धौली शिलालिपि पाई अर्थात मार्खाम किटो एसियाटिक सोसाइटर संपादक प्रिंसेप एवं संस्कृत विद्वान विल्सन ए तीन जनों पर धौली गिरीर अतीत विश्वर प्रत्नतत्व मान आखिरे खुशी होता परे विंश शताब्दी 70 दशक धौली भाग्य फिटिता जितेबले बिहार तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानुनगंक सभापतित्व गढ़ाला कलिंग निप्पन बुद्ध संघ जहार मुख्य पृष्ठपोषक थिले जापान बौद्ध गुरु निचिदास्तु पुंजी कही कही पहाड़ को महामत स्वस्वतम बा महामात्य मानकर चिंता स्थान बोली कहते सुरभिगिरी बा आजीर शांतिस्तूप धौलीगिरी स्तूप गुंफा प्रासादर भग्नावशेष रही चारिपाखे घेरी रही काधिक शैवपीठ बौद्ध श्रमण और हिंदू ब्राह्मणों रक्त रंजित संघर्ष भितर ए शैवपीठ गुड़िक निज अस्तित्व रही चतुर्थ शताब्दी पहाड़ शीर्षे रही धवलेश्वर
शांतिस्तूप पर्यंत प्रलंबित घाटी रास्तार डाहाण पाखे गंगराजत्व कालर संकटेश्वर मंदिर रही। ख्रीष्टाब्द 1731-32 भितर जहाँ ध्वंस करता कटकर नायब नाजिम महम्मद तकी खा एवं रही बहिरंगेश्वर मंदिर। अर्जुनेश्वरु फेरी आमे भैरंगेश्वर जाइथिलु। बामपटकु पडिथिबा एक शाखा रास्ता जेउठी दयानदी बन्धकु स्पर्श करिछि सेठी भैरंगेश्वर सेठी पहुँचिथिलु। आमे वर्तमान पहुँचि सारिछु भैरंगेश्वर मंदिर पाखरे। धौली शांति स्तूप चारिपाखरे अनेक शैवपीठ रहिछि, ता मधुर अन्यतम भैरंगेश्वर। भैरंगेश्वरकु नेकि अनेक कथा कहानी किंवदंती रहिछि, आसंतु दर्शन करिबा ता सहित तांग विषय रे जानिबा। एकाम्र क्षेत्र दक्षिण सीमा सूचक तीर्थ प्रसिद्ध शैवपीठ में रही भैरंगेश्वर महादेव। एकाम्र क्षेत्र आम्र वृक्षर अन्यतम शाखा धौली पहाड़ पर्यंत विस्तारित होइथिबारु भुवनेश्वर क्षेत्र दक्षिण सीमा निर्धारक भाव यह पहाड़ पश्चिम पादभूमि पश्चिमामुखी भैरंगेश्वर लिंग विग्रह स्थापित होता स्वर्णादि महोदय एकाम्र चंद्रिका भली ग्रंथ में लिखा जाए। सुमवंशी राजा जदाति राजत्व काल में त्रिरथ शैली मंदिर निर्माण कर 1992 मसीह मंदिर पुनः निर्माण कर सत, किंतु एबे भी मंदिर मुखशाला अपूर्ण रही। एबे आमोद प्रमोदर क्षेत्र पलटि जा कारण परिस्थिति और परिवेश ही सेमिति। पुणी कईरी हो जाइलु आउ एक जगह को जहाँ भी एक शैवपीठ अधा कपाश्वर अर्जुनेश्वर को दर्शन करने कईरी ठार मात्र किसी बाट आगरे अर्ध कपाश्वर रही। सेठी देवदेव महादेव को स्थानीय लोक मैंने पूजा करमती धान बिल गहीर भितर से पड़ो। गाँ मुंड पारिहेपर छोट कचा रास्ता दिगंत विस्तारी पाचिला धानर क्षेत बुदुबुदिया जंगल किछि बाट जीवापर सतसंतिया कादुआ रास्ता बिल धान कटा समय बर्तमान गहीर ये जंतु जुंता भय रही तो टे सतर्क होतरक जावाक पड़ो। ये किसी ना ना मंदिर ना मंदिर भग्नावशेष केवल पथर खंडीए से ही अधा कपाश्वर नाटा भी अद्भुत लगुच। अध कपाश्वर को दर्शन करने आम एत बाट गहीर भितर चली चली आसलु, किंतु से जो आप देखुं गोटे जंगल भाया रही भितर अच्छा देवदेव महादेव अध कपाश्वर एवं असुविधा या हूँ सेठिक जा धान बिल भितर आंठुए उच्चर पा अच्छे कादुओं रही सहज नुहे पाखक जबार कि विश्वास तो यह रही जहाँ आम आपण को सूचना रखुलु जदि अध कपाड़ी जो मुंड बिंधे से मुंड जहाँ बिंधे एवं इटी जदि से गुआ बसाते ठाकुर को जनाती भल हो जाए था। ये अनेक दिन रोग हेले आसिले काले भल हो जाए।
प्रकृत ठिकणा जगार पहुँचवा संभव नथिला फेरीथिलु किंतु फेरु फेरु भावुथिलु अधा कपालेश्वर हुंतु कि भैरंगेश्वर कि अर्जुनेश्वर किंबा धवलेश्वर कि संकटेश्वर बौद्धक्षेत्र धौली आखपाखरे एभली शैवपीठर अस्तित्व को नहीं आश्चर्य हेबाकु पड़े प्रश्न उठे एसबू अंचल आगे बौद्धक्षेत्र ना आगे शैवक्षेत्र आउ एभली प्रश्न भितर आसुचे बौद्ध श्रमण और हिंदू ब्राह्मणों मध्यरे रक्तखेई संघर्ष जो संघर्ष नेपथ्य हुए तो एभली प्रश्नर उत्तर लुचि रही आशा आज अध्याय आपण किसी नुआ कथा जानवाक पाइले नुआ जगह विषय जाणिले आज ये रोचु पुणे आसबू आउ गोटे यही सुंदर अध्याय नहीं से तल पर्यंत अधिक खबर अपडेट पाई आपण देखु था न्यूज 7 और रखि था खबर उपर नजर रोचु नमस्कार।